विश्व कप के शुरू होने में अब बस एक हफ्ते से भी कम का समय बचा हुआ है। उससे पहले भारतीय टीम के लिए अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। एक रिपोर्ट के अनुसार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी यानी NCA में अपना फिटनेस टेस्ट सफलतापूर्वक पास कर लिया है। इसका मतलब यह है कि वह श्रेयस अय्यर, रवि बिश्नोई और मोहम्मद सिराज के साथ ऑस्ट्रेलिया के लिए उड़ान भरेंगे, जो सभी साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज का हिस्सा थे। चयन समिति के एक सदस्य ने बताया है कि शमी फिट हैं और ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए ठीक हैं। उनके कुछ अच्छे सत्र हुए हैं, उनके पास प्रैक्टिस की कमी है और हमें उन्हें 100% पर लाने के लिए 2 अभ्यास मैचों पर भरोसा करना होगा, लेकिन वह अनुभवी गेंदबाज हैं और जानते हैं कि क्या जरूरत है। दीपक अभी फिट नहीं हो पाए हैं, इसीलिए हम अभी उनके शामिल होने पर कोई भी फैसला नहीं कर पा रहे हैं। 32 साल के मोहम्मद शमी को पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू सीरीज के लिए स्क्वाड का हिस्सा रखा गया था, लेकिन COVID-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद उन्हें बाहर होना पड़ा था। वो COVID-19 से पूरी तरह नहीं उबर पाने के चलते साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज का भी हिस्सा नहीं बन पाए थे। IPL 2022 में गुजरात टाइटंस की खिताबी जीत में अहम भूमिका निभाने वाले शमी ने पिछले साल हुए विश्व कप के बाद भारत के लिए कोई भी T20 मैच नहीं खेला है। IPL 2022 में शमी ने 14 मैचों में 24.40 की औसत से 20 विकेट अपने नाम किए हैं। आपको बता दें कि मोहम्मद शमी अब जसप्रीत बुमराह का रिप्लेसमेंट के तौर पर सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। उम्मीद तो यही की जा रही है कि मोहम्मद शमी हमें जसप्रीत बुमराह के रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम इंडिया में T20 वर्ल्ड कप में खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं, जो कि भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं है। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।